शर्मा परिवार ने अपने माता पिता की याद में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना को लोगों की सेवा भाव से ओतप्रोत होकर 1.9 लाख की लागत से एम्बुलेंस भेंट की है। आपको बता दें कि शर्मा परिवार ने अपने स्वर्गीय माता पिता की याद में इस एम्बुलेंस को भेंट किया है। अंजू शर्मा ने बताया कि उनके पिता और माता की अंतिम इच्छा थी कि एक एम्बुलेंस भेंट की जाए, लेकिन जो कार्य वे अपने हाथों से नहीं कर सके वो कोरोना के चलते नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु कोरोना काल में अचानक हो गई। उन्हीं के अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस को क्षेत्रीय अस्पताल को सौंपा है, ताकि कोविड के कारण किसी और की जान ना जा सके। अपनी माता जी की जो स्मृति में, वैसे तो मेरे फादर जो है वो पहले ही बोल गए थे कि एम्बुलेंस जो है हमें डोनेट करनी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऊना में, लेकिन मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली कोविड से डेथ हो गई, उसके कारण वो ये कार्य संपन्न नहीं कर पाए। तो हम परिवार के सभी, ये मेरी सिस्टर, मेरा पूरा, मेरा ब्रदर, ये पूरा परिवार जो है आज इस कार्य को संपन्न किया है। सतपाल सत्ती जी की प्रेजेंस में फादर जाते थे तो उन्होंने भी समय दिया, तो आज सबके सहयोग से ये कार्य संपन्न किया। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि उन्हें बेहद दुख लगा कि वेद प्रकाश इस कोविड की भेंट चढ़ गए। उन्होंने कहा कि वेद प्रकाश जी एक जनसेवक थे और हमेशा लोगों की सेवा करते थे, जिसके चलते उन्होंने एम्बुलेंस लेने का निर्णय लिया था, लेकिन कोविड के दौरान उनका देहांत हो गया। आज चाहे वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनका सेवा भाव का उदाहरण आज हम देख रहे हैं। मरने के बाद भी उनकी सेवाओं को हम हमेशा याद रखेंगे। उसी का विषय भी है कि रक्कड़ कॉलोनी से पुष्पा देवी जी और उनके हस्बैंड वेद प्रकाश जी, उनकी कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। उनके परिवार के बेटे, बेटियां, दामाद और रिश्तेदारों ने, जिनमें बेटी का नाम अंजू शर्मा है, दामाद गणेश शर्मा है, उन लोगों ने 9 लाख रुपए की एम्बुलेंस भेंट की है हॉस्पिटल के लिए, ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। हम उनका धन्यवाद करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो इस कोरोना काल में वेद प्रकाश जी की और पुष्पा जी की मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को उस कष्ट को, दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।